नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्ट्रोक ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रोक ग्रुप का सीधा ही मतलब यह है कि जितने भी आइटम्स हैं स्टोक की है, मान लो आपकी रिटेल की शॉप है, होलसेल की शॉप है या किसी भी तरह की शॉप है, तो उसमें आइटम्स, स्टोक आइटम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उनको छोटे छोटे कैटेगरी में रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमें स्टोक की क्वांटिटी, उसकी वैल्यू को वेरीफाई करना आसान हो जाता है। यानी जितना भी ट्रैक का काम होता है वो आसान हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ स्टोक आइटम ही लिखते जाएंगे तो यह मुश्किल हो जाएगा कि खास स्टोक आइटम किस ग्रुप में है। ग्रुप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, जैसे कंप्यूटर में एचपी, डेल, एससीएल, सैमसंग और सोनी कंप्यूटर, ऐसे बुक्स अलग अलग तरह की होती हैं, सीडीज अलग और डीवीडीज अलग अलग तरह की, कार्स अलग अलग तरह की। तो मान लीजिए यही हमारा बिजनेस है, तो हम सबसे पहले इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, उसमें स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। क्रिएट कर लिया हमने, मान लो कि हमने ग्रुप क्रिएट किया कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ग्रुप ये हमने क्रिएट किया। अभी हमने सेकंड क्रिएट किया बुक्स, बुक्स का काम है हमारा, उसमें स्टॉक आइटम्स आ जाएंगी। ऐसे हमने क्रिएट कर दिया सीडीज एंड डीवीडीज, इसी तरह हमने मान लो कि कार भी सेल करते हैं, कार्स। तो अब हम बैक साइड में देखते हैं, ये हमारी स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गए। हम चार चीजों में डील कर रहे हैं, बुक्स, कार, सीडीज एंड डीवीडीज एंड कंप्यूटर ग्रुप। अब हम देखेंगे कि स्टॉक आइटम है, इसमें कैसे कैटेगरी की जा सकती है। इससे पहले हम यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। बुक्स होती हैं नंबर्स में, नंबर्स में, और कार भी नंबर्स में, और कौन सी आइटम है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, देख लेते हैं ग्रुप को। ये भी नंबर में, ये भी नंबर में, ये भी नंबर में, ये भी नंबर में, सभी। अभी सिर्फ हमने नंबर क्रिएट किया है। अब स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हम इसमें इकट्ठा जितने भी है सभी क्रिएट इकट्ठे कर लेते हैं। अब मैं लिखता जाता हूं, स्टॉक आइटम है, सबसे पहले हम लेते हैं एचपी कंप्यूटर, एचपी कंप्यूटर हमारी एक स्टॉक आइटम है अंडर कंप्यूटर ग्रुप, नंबर्स में चलता है। ऐसे ही हमने दूसरा आ गया, मान लो कि ये किताब है हमारे, ठीक है, साइंस लर्निंग, साइंस आप देख लिए 10+2 की है क्लास। ये बुक्स है, ठीक है, तो इसमें नंबर्स आ गए, एजुकेशन बुक्स है। और ऐसे ही हमने लिख दिया एक और आइटम, डिवोशनल सीडी, डिवोशनल सीडी सेट, ये हमने ग्रुप रखा इसको सीडीज एंड डीवीडी। ऐसे ही हमने डाटा, डाटा, डाटा कार में हम डील कर रहे हैं,
ये भी नंबर्स है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए जो स्ट्रोक आइटम्स हैं वो इस ग्रुप में शो होंगी। मान लो हमारे पास बुक्स कौन सी हैं, अभी एक ही आइटम है स्ट्रोक आइटम, ठीक है जी। इस तरह से हम मान लो कि अगर ये दो स्ट्रोक आइटम हो जाती हैं इसमें, इस ग्रुप में, बुक्स में हम एक और बना देते हैं, कौन सी बुक्स है, मोशनल मोटिवेशनल बुक्स, हमें पूरा यह पता कि हमारी जो इन्वेंट्री इन्फो में जाकर जो ग्रुप है, डिस्प्ले है, बुक्स हमारे पास दो है, इसमें हम देखेंगे स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम्स में भी मल्टीपल में देखें, ये बुक्स दो शो कर रहे हैं हमारे पास, मोटिवेशनल बुक्स है और साइंस बुक्स है। अब जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी खरीदी कितनी क्वांटिटी बेची, तो उनकी पूरी डिटेल हमें बताएगा कि कितना बैलेंस है बुक्स के पूरी लिस्ट में, तो हमें इन्वेंट्री को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।